हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर वैली। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो से बात करेंगे आप कैसे एक्सिस बैंक का पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग का सर्विस देते हैं या आपके पास एक्सिस बैंक का सीएसपी है तो आप इजी प्रोसेस से एक्सिस बैंक का पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। भाई साहब, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का सीएसपी है तो आप इस टोटल से इजी से एक्सिस बैंक का पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक साइबर वैली को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। भाई साहब, अगर आपको एक्सिस बैंक का पासबुक प्रिंट कराना है तो इसके लिए आपके पास स्मार्ट सीएसपी का आईडी होना चाहिए। इंडिया में एक ही पोर्टल है जिसमें पासबुक प्रिंटिंग का सर्विस मिलता है भाई, तो आपको स्मार्ट सीएसपी का आईडी लेना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर क्रिएट ए न्यू अकाउंट में क्लिक करके आपका डिटेल्स फिल करके रजिस्टर करके आप आईडी ले सकते हैं। चलिए, लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड देके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या सर्विस मिलेगा, वोटर कार्ड में इंस्टेंट मोबाइल नंबर आप लिंक कर सकते हैं, पीडीएफ पीबीसी साइज कर सकते, रेशन कार्ड वोटर कार्ड पीबीसी ऑर्डर कर सकते, वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते, पैन नंबर फाइंड कर सकते, यूटीआई पैन कार्ड प्रिंट कर सकते, आधार कार्ड मैनुअल प्रिंट कर सकते, रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते। ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट है सारे स्टेट का रेशन कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते, ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते, मल्टी पासबुक प्रिंट कर सकते। इंडिया में जितना बैंक है इस सर्विस से आप उतना बैंक का पासबुक प्रिंट कर सकते। तो एक ही पोर्टल है स्मार्ट सीएसपी जिससे आप इंडिया का सारा बैंक का पासबुक प्रिंट कर सकते। तो आज ही आप रजिस्टर करके आईडी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सिस बैंक का पासबुक आप कैसे प्रिंट करेंगे। देखिए भाई साहब, यहाँ पर एक्सिस बैंक पासबुक प्रिंट बोल के एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर आपको सर्विस को एक्टिव करना होगा। देखिए, योर एक्सिस बैंक सर्विस नॉट एक्टिव, प्रेस ओके एंड कंटिन्यू। यहाँ पर जब आप ओके करेंगे तो आपके पास एक्सिस बैंक पासबुक प्रिंटिंग का सर्विस आपको एक्टिव करना होगा, क्योंकि सारे सर्विस को आपका जरूरत नहीं है, सारे बैंक का पासबुक प्रिंट आपको जरूरत नहीं है। आपके पास जिस बैंक का सीएसपी है उसी सर्विस को आप एक्टिव करेंगे। तो यहाँ पर मेरे को एक्सिस बैंक का पासबुक प्रिंटिंग सर्विस चाहिए, तो यहाँ पर देखिए पासबुक प्रिंटिंग सर्विस है। आपका वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए, अगर आपका वॉलेट में बैलेंस नहीं है तो वॉलेट में क्लिक कीजिए। यस, हम क्या करेंगे, अमाउंट में क्लिक करेंगे और 100 में क्लिक करेंगे, हम 100 रुपया ऐड करेंगे। सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा पास एक क्यूआर कोड ओपन होगा जिसमें हम जो भी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, हम सारे पे से यहाँ पर पेमेंट कर सकते। तो आपको सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और पेमेंट करना है। चलिए हम पेमेंट कर, जब हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर एक राइट बटन आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया यहाँ पर आ जाएगा, आपका वॉलेट में 100 रुपया बैलेंस भी आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको एक्सिस बैंक का पासबुक प्रिंट करना है तो पहले आपको सर्विस एक्टिव करना होगा। तो यहाँ पर हम एक्सिस बैंक पासबुक प्रिंट में क्लिक करेंगे, जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है योर एक्सिस बैंक सर्विस नॉट एक्टिव, ओके एंड कंटिन्यू। यहाँ पर हम ओके में क्लिक करेंगे, जब हम ओके में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वन टाइम चार्ज है इस सर्विस को आपको एक्टिव करने के लिए, वन टाइम 29 रुपीज आपको देना होगा, क्योंकि आपको सारे बैंक का पासबुक प्रिंटिंग नहीं करना है, आपको ओनली एक्सिस बैंक का करना है। मेरे को भी एक्सिस बैंक का पासबुक प्रिंट करना है क्योंकि मेरे पास एक्सिस बैंक का सीएसपी है। आपके पास जिस बैंक का सीएसपी है उसी बैंक का सर्विस आप एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबमिट में क्लिक करेंगे सिंपली और ओके में क्लिक करेंगे, हमारा एक्सिस बैंक का पासबुक प्रिंटिंग सर्विस एक्टिव हो गया। यहाँ पर हम एक्सिस बैंक पासबुक प्रिंट में क्लिक करेंगे, जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारा पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पर हम जो भी फिल करेंगे वही पासबुक में प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पर पहले हमको अकाउंट नंबर टाइप करना है कस्टमर का, तो यहाँ पर आप आपकी कस्टमर का अकाउंट नंबर टाइप कीजिए। चलिए, हम हमारा कस्टमर का अकाउंट नंबर टाइप कर लिया। कस्टमर आईडी आपको यहाँ पर टाइप करना है कस्टमर का, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर टाइप करना है,
कस्टमर का फादर नेम या हस्बैंड नेम या वाइफ नेम या डॉटर नेम या फिर आप एंटी कर सकते हैं। चलिए हम फादर नेम एंटी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका विलेज और पोस्ट ऑफिस आपको एंटी करना है। चलिए हम विलेज नाम यहाँ पर एंटी करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप अकाउंट में नॉमिना किया तो यहाँ पर यस कीजिए। इसके बाद फोन नंबर में आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटी कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर ने अकाउंट में जिस मेल आईडी दिया उस मेल आईडी यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर एंटी करना है कस्टमर का। इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर, कस्टमर का पैन नंबर यहाँ पर एंटी करना है। चलिए हम हमारा पैन नंबर यहाँ पर एंटी करते हैं कस्टमर का। उस एक्सिस बैंक का जिस ब्रांच का आप पासबुक प्रिंट कर रहे हैं उस ब्रांच का आपको एमआरसी कोड यहाँ पर टाइप करना है। अगर आपका एमआरसी कोड पता नहीं है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। आईएफएससी कोड यहाँ पर एंटी कीजिए। चलिए ब्रांच एड्रेस, ब्रांच एड्रेस में आप जिस ब्रांच का अकाउंट ओपनिंग किया उसी ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच का नेम टाइप कीजिए। हर ब्रांच का एक नेम होता है। अगर कोई बैंक आपके पास है या आप उस ब्रांच का नाम नहीं जानते हैं तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सारे चीज आपको गूगल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम उस ब्रांच का नाम टाइप करते हैं। इसके बाद आपको पासबुक प्रिंटिंग चार्ज कितना रुपया लग रहा है, ओनली 2 रुपया। एक पासबुक प्रिंट करने के लिए आपका वॉलेट से 2 रुपया कट जाएगा। तो यहाँ पर हम सबमिट में क्लिक करेंगे, हमारा पास एक नोटिफिकेशन आ गया, एक्सिस बैंक पासबुक प्रिंट सक्सेसफुली। ठीक है, पासबुक सबमिट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर ओके में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर राजू मुंडल का नाम पे हमारा अकाउंट नंबर के साथ में पासबुक प्रिंट हो गया। डाउनलोड नाउ में क्लिक करेंगे तो हमारा पास पासबुक रेडी होके मिलेगा। आप इसको प्रिंट में क्लिक करके कस्टमर को प्रिंट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास जो भी प्रिंटर है उससे प्रिंट करके आप कस्टमर को एक्सिस बैंक का पासबुक दे सकते हैं। अगर आपको इसका लाभ लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वही से रजिस्टर करके आप आईडी ले सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक साइबर वैली को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।